गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर लेसन टेम्परेचर इसके पहले पीरियड में हमने जमीन लैंड का गर्म होना और वाटर का गर्म होना लैंड का ठंडा होना और वाटर का ठंडा होना इसमें कितना डिफरेंस है ये देखा था लैंड जो है वो वाटर के मुकाबले में जल्दी गर्म होती है और उतने ही जल्दी वो ठंडी भी होती है लेकिन वाटर गर्म होने के लिए भी टाइम लगाता है और ठंडा होने के लिए भी उसे टाइम लगता है बहुत सारे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमने देखे अब यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है डू इट योर सेल्फ अ पॉट विथ वॉटर इज़ प्लेस ऑन अ बर्नर गैस के बर्नर पर आपको एक पानी से भरा हुआ पॉट रखना है ड्रॉप फोर फाइव स्मॉल प्लास्टिक बटन्स इन इट एंड ऑब्जर्व देर मूमेंट इन वाटर फिगर फाइव पॉइंट फाइव आपको उसमें जो प्लास्टिक के बटनस है चार पाँच प्लास्टिक के बटन आपको उसमें डालने हैं और जब पानी उबलेगा तो वो वाटर उस बटन की मूवमेंट कैसी होती है ये आपको देखना है हॉट वाटर फ्रॉम द बेस मूव्स अपवर्ड जब हम पानी को हीट देते हैं जब हम पानी को गर्म करते हैं तब वो एक्सपांड होना शुरू होता है और जब पानी गर्म होता है तब वो ऊपर आना शुरू करता है विथ इट द बटन्स टू आर पुश टू द सरफेस और जैसे जैसे पानी ऊपर आने लगता है गर्म होने के बाद में वैसे वैसे पानी के ऊपर डाले हुए जो बटन्स हैं वो भी ऊपर आने लगते हैं द रिलेटिवली कूलर वाटर इन द अपर पोर्शन मूव डाउनवर्स और नीचे जब हम हीट देते हैं तो वो पानी गर्म होता है लेकिन ऊपर का जो ठंडा पानी है वो जैसे ही नीचे का पानी ऊपर आने लगता है वैसे वैसे ऊपर का पानी जो कूल होता है वो नीचे जाता है टेकिंग द बटन्स विट हीट और उसके साथ साथ जो बटन्स हैं वो भी नीचे जाने लगते हैं दिस हैपन्स रिपीटेडली इस तरीके से ये बार बार प्रोसीजर होती है इन अदर वर्ड्स ऑन हीटिंग एंड अपॉर्ड करंट सेट्स इन द वॉटर दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम उस पानी को हीट देते हैं तो अपवाड करंट जो होते हैं वो वाटर में सेट होने लगते हैं इन नेचर द कंडीशंस आर स्लाइटली डिफरेंट लेकिन जब हम नेचर के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पर कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस बोथ अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल करंट्स डेवलप इन द ओशियन ओशियन जो होता है तो उस ओशियन में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से अपवर्ड अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल करंट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं डिसाइड्स टेम्परेचर डिफरेंसेस फैक्टर्स लाइक विंड्स एंड डिफरेंसेस इन द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो गिव राइज टू हॉरीजोंटल कर टेम्परेचर के डिफरेंस के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स है जैसे कि विंडस है और उसके बाद में डिफरेंसेस इन डेंसिटी डे दे, ऑफ वाटर वाटर के डेंसिटी में जो डिफरेंसेस है ये जो है वो भी हॉरीजोंटल करंट्स को राइज करते हैं इनकी वजह से भी हॉरिजॉन्टल करंट्स तैयार होते हैं दीज ओशियन करंट्स फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन ये जो ओशियन करंट्स होते हैं ये ओशियन करंट्स इक्वेटर से लेके पोला रीजन के तरफ फ्लो करते हैं एंड फ्रॉम द पोलर रीजन टू द इक्वेटर और उसके साथ साथ पोला रीजन की तरफ से इक्वेटर की तरफ भी ये फ्लो करते हैं सी फिगर फाइव पॉइंट सिक्स आपको फाइव पॉइंट सिक्स फिगर में ये बताया है वेन एंड ओशियन करंट फ्लोज फ्रॉम द फ्रिगेट टू द टॉरिड जोन इट रिड्यूसेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट इन द टॉरिड जोन जब ये ओशियनिक करंट फ्रिगेट जोन से टॉरिड जोन की तरफ फ्लो करते हैं तब वो टॉरिड जोन में जो कोस्टल एरियाज हैं उन कोस्टल एरियाज़ का टेम्परेचर रिड्यूस यानी कम करते हैं वेन न करंट फ्लोज फ्रॉम द टॉरिड टू द फ्रीगिट जोन और जब करंट टॉरिड जोन से लेके फ्रीगिट जोन की तरफ और जब ये करंट टॉरिड जोन से लेके फ्रीगिट जोन की तरफ फ्लो करते हैं इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट इन द फ्रिगिट जोन तब ये फ्रीगेट जोन में जो कोस्ट है कोस्टल एरिया है उस कोस्टल एरिया का टेम्परेचर बढ़ाते हैं आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है कॉन्टिनेंट से ही हमारे यहाँ पर उसके बाद में आपको यहाँ पर ओशियंस भी दिए हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर ओशियनिक करंट्स क्रिएट होते हैं और किस तरीके से टॉरिड कॉन्टिनेंटल एरिया से लेकर कॉन्टिनेंटल एरिया से पोलार की तरफ और पोलार से कॉन्टिनेंटल एरिया की तरफ किस तरीके से इनका फ़्लो होता है ये यहाँ पर हमें बताया हुआ है डू यू नो द रीजन्स वेयर वार्म एंड कोल्ड करंस कन्वर्ज आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटोंस जो ऐसे रीजन जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स कन्वर्ज होते हैं ऐसे रीजन जहाँ पर वार्ड वार्म और कोल्ड करंट्स कन्वर्ज होते हैं ये प्लेंगटंस की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होते हैं प्लटोन्स आर द फूड फॉर फिश प्लान जो है वो फिश का फूड है फिश फ्रॉम अदर एरियाज़ ट्रैवल टूवर्ड दिज एरियाज इन लार्ज नंबर और जहाँ पर ऐसे प्लेंकटोन्स की ग्रोथ होती है ऐसे एरिया में दूसरे एरिया से फिश ट्रैवल करते हैं दे ब्रीड इन वाम वाटर्स ये जो फिश ये जो प्लेंकटोन्स है वो वाम वाटर में ब्रीड होते हैं ड्यू टू हाई कॉन्सनट्रेशन ऑफ फिश पॉपुलेशन फिशरीज़ थ्राई वेल इन दिज एरियाज और जहाँ पर फिश का हाई ऐसा कॉन्सनट्रेशन होता है जिन एरियाज में फ़िश का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है ऐसे एरियाज में फिशरी देखने को मिलती है इन द मैप ऑफ ओशियन करंट्स गिवन इन फाइव पॉइंट सिक्स लोकेट सच रीजन्स ओशियन करंट्स जहाँ पर है जैसे यहाँ पर हमें फिगर फाइव पॉइंट सिक्स में दिया है ऐसे रीजन्स हमें लोकेट करके दिए हैं फाइंड देयर नेम्स फ्रॉम एन एटलास और द इंटरनेट राइट दीज नेम्स ऑन द मैप हमें एटलास या फिर इंटरनेट से उन रीजन्स को फाइंड आउट करने के लिए कहा है और उनके नेम जो है हमें मैप पर लिखने के लिए कहे गए हैं यहाँ पर एक और इस फिगर का एक्सप्लेनेशन हमें दिया हुआ है कंसिडरिंग द टेम्परेचर ऑफ वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ मैप्स ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रिपेयर्ड वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ और के अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर कंसिडर करते हुए यहाँ पर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप यहाँ पर हमें किस तरह प्रिपेयर करके दिया है फिगर फाइव पॉइंट सेवन इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ आइसोथम्स यहाँ पर फाइव पॉइंट फिगर जो हमें दी है मीन और एनुअल टेम्परेचर हमें यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का बताया हुआ है ये यह जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है ये फिगर वो आइसोथम की हेल्प से आइसोथम्स आर लाइंस दैट कनेक्ट प्लेसेस विद द सेम टेम्परेचर आफ्टर अवॉइडिंग द इफेक्ट ऑफ हाइट आइसोथम्स ऐसे लाइंस है जो प्लेसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं जो प्लेसेस सेम टेम्परेचर पर होते हैं और जिनके ऊपर हाई इफ़ेक्ट अवॉइड किया जाता है डीज लाइन्स जनरली अपियर पैरल टू द लेटिट्यूड्स ऑन अ वर्ल्ड मैप ये जो लाइन्स होते हैं वो जनरली पैरल्स टू द लैटिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड मैप वर्ल्ड मैप के जो लेटिट्यूड होते हैं वहाँ के पैरल्स पर देखने को मिलते हैं ऑब्जर्व द आइसोथम ऑफ टू ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इन द मैप यहाँ पर हमें ट्वेंटी फाइव यहाँ पर हमें ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस के जो आइसोथम हैं वो ऑब्जर्व करने के लिए कहा है धिस लाइन ऑक्युपाइज एरिया क्लोजर टू द इक्वेटर ये जो लाइन है वो ये जो लाइन है यहाँ पर इक्वेटर के क्लोज जो एरिया है उसे ऑक्युपाई करती हैं द शेप ऑफ धिस लाइन एपियर्स लाइक एन इक्लिप्स ऑन द मैप अब यहाँ पर जो शेप है इन लाइंस का वो इक्लिप्स के जैसा मैप पर हमें दिखाई देता है द नॉर्थ साउथ स्प्रेड ऑफ दिस इक्लिप्स इज ग्रेटर ऑन द कॉन्टिनेंट्स एज कम्पेयर टू द ओशन ओशियंस नॉर्थ साउथ शेप जो है यहाँ पर इस इक्लिप्स का वो कॉन्टिनेंट के कंपेरिजन में ओशियंस में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है द आइसोथम लाइन्स ऑक्यूपाइज सेम पार्ट्स ऑफ द कॉन्टीनेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका अमेरिका अफ्रीका एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये जो आइसोथम लाइन्स हैं वो साउथ अमेरिका अफ्रीका एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टीनेंट का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं अ वेरी लिमिटेड पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज ऑक्यूपाइड बाय दिस आइसोथम इस आइसोथम ने पैसिफिक ओशियन का बहुत ही लिमिटेड ऐसा पोर्शन ऑक्युपाई किया है यू विल फाइंड टू आइसोथम्स विद द लेबल ऑफ जीरो डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपको दो आइसोथम दिखाई देंगे जीरो डिग्री सेल्सियस के उनको ऑब्जर्व करना है द जीरो डिग्री सेल्सियस आइसोथम फ्रॉम द साउदर्न हेमिसफीयर इज लार्जली स्ट्रेट एंड इज पैरल टू द लाइन ऑफ लेटिट्यूड ज़ीरो डिग्री सेल्सियस का जो आइसोथम है जो साउदर्न हेमिसफीयर का है वो बहुत लार्जली लार्ज स्ट्रेट है और ये लेटिट्यूड लाइन से पैरल है कंपेरेटिवली द लाइन ऑफ द सेम वैल्यू इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ कंसिडरेबली और इसके कंपैरिजन में इसी सेम वैल्यू की जो नॉर्थ हेमिसपेयर की लाइन है वो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती हैं इन द वेस्ट इन पार्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक ओशियन इट इज़ फेयरली स्ट्रेट पैसिफिक ओशियन के हिस्से में वेस्ट साइड में ये फेयरली स्ट्रेट है बट व्हेन इट एंटर्स द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इट टर्न्स टू द नॉर्थ और जब ये अमेरिका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जब ये एंटर करती है तब वो थोड़ी नॉर्थ की तरफ टर्न होती है देन द लाइन प्रोसीड्स इट्स वाड लेकिन उसके बाद में वो ईस्ट की तरफ जाती है विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस आफ्टर एंटरिंग द एटलांटिक ओशन इट टर्न्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उसके बाद में शॉर्ट डिस्टेंस के बाद वो अटलांटिक ओशियन में एंटर करते हुए नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जाती हैं इन दिस पार्ट यू विल फाइंड ऑल द आइसोथर्म लाइंस टर्निंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर आप देखेंगे कि आइसोथर्म्स लाइंस जो है वो सभी आइसोथर्म लाइंस नॉर्थ ईस्ट की तरफ टर्न होते हैं दिस इज बिकॉज वार्म ओशियन करंट इज लोकेटेड इन दिस एरिया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस एरिया में वार्म ओशियन करंट्स तैयार होते हैं फर्दर आफ्टर एंटरिंग यूरेसिया वाइल मूविंग ईस्ट वार्ड इट टर्न टू द साउथ ईस्ट जब वो यूरेशिया में एंटर करती है तब ईस्ट वार्ड की तरफ मूव करते हुए वो साउथ ईस्ट में टर्न होती है स्टिल फर्दर इन द पैसिफिक ओशियन मोस्ट ऑफ द आइसोथम लाइन्स एपियर मूविंग ईस्ट वार्ड एस स्ट्रेट लाइन्स उसके बाद में पैसिफिक ओशियन में ये जो आइसोथम्स लाइन है वो ईस्ट वार्ड्स में ईस्ट की तरफ स्ट्रेट लाइन्स में मूव करती हुई दिखाई देती है and we will take the list next part of our lesson is in our next period thank you